नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल PSP बरेली में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इफ्को MC कंपनी के द्वारा बनाया गया बहुत चर्चित इंसेक्टिसाइड आयो कीटनाशक के बारे में, और साथ में बात करेंगे नैनो यूरिया के बारे में। क्या हम इन दोनों केमिकल को एक साथ मिक्स करके अपनी क्रॉप में लगा सकते हैं या नहीं, अगर लगा सकते हैं तो कितनी डोज लेनी चाहिए, इन दोनों केमिकल को एक साथ मिक्स करके लगाने से हमारी क्रॉप में कोई साइड इफेक्ट देखने के लिए तो नहीं मिलता, पूरी जानकारी विस्तार से दी जाएगी, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। जिन साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई खेती से संबंधित वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं तायो इंसेक्टिसाइड के बारे में। तो साथियों, ये जो तायो कीटनाशक है ये सिस्टमिक और कंटेंट दोनों ही तरीके से कार्य करता है। ये पत्तियों पे फैले या ना फैले, जैसे कि हम लोग छिड़काव करते हैं तो पत्तियों पे गिरे या फिर जमीन पे गिरे, इसको कार्य करना ही करना है। और ये विशेष रूप से सफ़ेद मक्की और मच्छर, और इस समय मार्च का महीना चल रहा है तो मार्च के महीने में अधिकतर माऊ का प्रकोप हमारी क्रॉप में कुछ ज़्यादा ही देखने के लिए मिलता है, तो इस समय आप विशेष तौर से इसको माऊ के लिए लगा सकते हो। अगर इसमें टेक्निकल की बात करें तो इसमें थाइमोथोक्सम 5% WG फॉर्मुलेशन में आता है, और इसकी अगर बेसिक डोज की बात करें तो इसके लिए आप इसको 10 ग्राम प्रति 15 लीटर के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपके खेत में इंसेक्ट का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही है तो 10 से आप बढ़ा के 15 ग्राम भी प्रति 15 लीटर के हिसाब से ले सकते हैं, यानी कि 1 लीटर पानी में 1 ग्राम तायो इंसेक्टिसाइड को डाल सकते हो और अच्छे से मिक्स करके छिड़काव कर सकते हो। और छिड़काव करने का सही समय अभी मीडियम मौसम है, ना ही ज़्यादा ठंड है और ना ही ज़्यादा गर्मी है, तो आप सुबह में भी इसका छिड़काव कर सकते हो, शाम में भी कर सकते हो, और उधर मई जून जुलाई की तरफ आप इसका जब भी छिड़काव करें तो शाम के समय ही इसका छिड़काव करें। अब बात करते हैं नैनो यूरिया के बारे में। तो साथियों देखिए, नैनो यूरिया या फिर यूरिया, जो बोरी वाला यूरिया आता है, बैग वाला यूरिया और नैनो यूरिया, दोनों का कार्य एक ही होता है। फर्क सिर्फ इतना है, जो बोरी वाला यूरिया होता है वो लगभग 50-60% बेकार चला जाता है, और जो नैनो यूरिया होता है ये लगभग 90% पौधे के यूज में आता है। कारण इसका यह है, क्योंकि नैनो यूरिया का जब भी हम लोग छिड़काव करते हैं, छिड़काव ही किया जाता है इसका, तो पूर्ण रूप से ये पौधे पे फैल जाता है और पत्तियां इसके लिए अवशोषित कर लेती हैं। और जो बोरी वाला यूरिया होता है उसे अगर हम अपने खेत में लगाते हैं और लगाने के बाद सिंचाई करते हैं तो लगभग 60-70% तक बेकार चला जाता है, मात्र 30% ही उसके लिए पौधा यूज करता है। और सिंचाई के उपरांत लगाते हैं या फिर बाद में लगाते हैं तो वो लगभग 10% तक बढ़ जाता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है, बकाया उसे 60% तक तो बेस्ट होना ही होना है। तो आप जब भी चयन करें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बैग वाला यूरिया ना डालें, आप बैग वाला भी यूरिया डालें और नैनो यूरिया भी डालें। अब विशेष तौर से बात करते हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन की। तो नैनो यूरिया यह एक फर्टिलाइजर है, और जो तायो इंसेक्टिसाइड है यह एक कीटनाशक है। तो इन दोनों केमिकल को आप आपस में मिक्स करके लगा सकते हैं, कोई भी इसका साइड इफेक्ट हमारी क्रॉप में देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर इसके रिजल्ट की बात करें तो हम इसका रिजल्ट इसी वीडियो में लगभग 15 दिन के बाद जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको इसका रिजल्ट दिखा देंगे। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो तायो इंसेक्टिसाइड है ये 650 रुपये में आधा किलो यानी कि 500 ग्राम मिल जाता है, और ये जो 500 ग्राम नैनो यूरिया है ये 240 रुपये से 250 रुपये के करीब मिल जाता है। बात करते हैं नैनो यूरिया की डोज की। तो इसको आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं या फिर 50 ml प्रति 15 लीटर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। साथियों, 15 दिन के बाद हम अपने खेत पे आ चुके हैं, और आप देख लीजिए 15 दिन के बाद हमारी मिर्च ने कितनी ग्रोथ की है, कितना हमारा पौधा रिकवर हो चुका है। आप देख लीजिए यहाँ पर इस पे लदान भी हो रहा है, फूल भी है, और पौधे का फुटाव भी अच्छा है। इस समय खेत की कंडीशन मैं बता रहा हूँ आपको, लगभग 90% तक सुधार हुआ है। तो साथियों, ये थी नैनो यूरिया और इफ्को MC कंपनी के द्वारा निर्मित तायो इंसेक्टिसाइड के बारे में पूरी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जिन साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई खेती से संबंधित वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि खेती से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट जरूर करें।